वेलकम टू नई सुभास एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज टाइमलेस टेल्स अ फैबुलस इनिशिएटिव फॉर ऑल द स्टोरी लवर्स आउट देयर ब्रॉट टू यू बाय नई सुभा नरेटेड बाय हाजरा सलीम। कहते हैं एयरपोर्ट्स आर वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेंजेस्ट स्पेसेस इन द वर्ल्ड बिकॉज टाइम सीम्स टू स्टैंड स्टिल एट एन एयरपोर्ट व्हाइल एवरीथिंग अराउंड अस सीम्स टू बी कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ये कहानी है 1954 टोक्यो जापान की, जहां मामूल के मुताबिक एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स की चहलकदमी थी, फ्लाइट्स अपने स्केड्यूल के मुताबिक टेक ऑफ और लैंड कर रही थी। कुछ पैसेंजर्स अपने बोर्डिंग पासेस कलेक्ट कर रहे थे तो कुछ पैसेंजर्स अपना लगेज सबमिट करवा रहे थे। इसी चहलकदमी के बीच एक फ्लाइट लैंड हुई और तमाम पैसेंजर्स लाइन बनाकर इमिग्रेशन काउंटर की तरफ बढ़े और इमिग्रेशन ऑफिसर ने बारी बारी सबके पासपोर्ट्स, वीजास और डॉक्यूमेंट्स को चेक करना स्टार्ट किया। इसी लाइन में सनग्लासेस और ब्लैक कलर का ओवरकोट पहने एक शख्स खड़ा था जिसके हाथ में एक ब्रीफकेस था। ये शख्स बजाहिर तो बहुत आम लग रहा था, लेकिन उस वक्त एयरपोर्ट का स्टाफ ये नहीं जानता था कि इस शख्स के हुलिये के अलावा इस शख्स के बारे में और कोई भी बात आम सी नहीं है। अपनी बारी आने पर जॉन ज़िग्रिस नामी इस शख्स ने भी अपना पासपोर्ट इमिग्रेशन ऑफिसर को दिया। ऑफिसर ने पासपोर्ट पे लगे स्टैम्प्स और वीजास को चेक किया और वो पासपोर्ट जॉन को बस वापस देने ही वाला था कि अचानक ऑफिसर की नज़र नेम ऑफ कंट्री पर पड़ी जिस पर टोरेट लिखा था। ये नाम पढ़कर ऑफिसर थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि उसने इस मुल्क का नाम आज से पहले कभी नहीं सुना था। फर्दर इन्वेस्टिगेशन पर जॉन ने उसे बताया कि टोरेट स्पेन और फ्रांस के बीच में मौजूद एक छोटा सा मुल्क है। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन सुनकर ऑफिसर को तसल्ली नहीं हुई। उसने जॉन से कुछ और सवाल पूछे जिस पर जॉन ने बताया कि वो जापान आज पहली दफा नहीं आया है, बल्कि अक्सर जापान बिजनेस के सिलसिले में आता जाता रहता है और इस मर्तबा उसके आने का रीजन ये है कि वो अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक जापानीज बिजनेस कंपनी के साथ उसकी एक मीटिंग स्केड्यूल्ड है। लेकिन ऑफिसर को ये सारी बातें सुनकर ऐसा महसूस हुआ कि शायद दाल में कुछ काला है। ऑफिसर ने फॉरेन सिक्योरिटी को बुलाया, जिन्होंने आकर सबसे पहले जॉन का ब्रीफकेस कॉन्फिस्केट किया और उसके बाद कुछ देर के लिए जॉन को एक इंक्वायरी रूम में लॉक कर दिया और उस कमरे के बाहर दो सिक्योरिटी ऑफिसर्स को तैनात कर दिया। जब फॉरेंसिक और इन्वेस्टिगेशन टीम वहां पहुंची तो उन्होंने ब्रीफकेस को खोला और उसमें मौजूद डॉक्यूमेंट्स को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया। उस ब्रीफकेस से ऑफिसर्स को तीन चीजें मिली, एक चेकबुक, होटल रिजर्वेशन के पेपर्स और एक बिजनेस प्रपोजल की फाइल। लेकिन जब कंपनी को कॉल किया गया तो उन्हें ये बात मालूम हुई कि उस कंपनी में जॉन ज़िग्रिस नाम का कोई भी मुलाजिम काम नहीं करता। उस होटल को कॉल करने पे पता चला कि जॉन ज़िग्रिस के नाम से उस होटल में किसी के लिए भी कोई भी कमरा रिजर्व्ड नहीं है। और तो और वो चेकबुक भी फेक थी, क्योंकि वो चेकबुक जिस बैंक के नाम से इशूड थी वो बैंक एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इस इंफॉर्मेशन से हैरान परेशान होकर टीम तफ्तीश के लिए जॉन के पास गई। लेकिन जब उन्होंने इंक्वायरी रूम का दरवाजा खोला तो जॉन अंदर था ही नहीं। कमरे को खाली देखकर टीम हक्का बक्का रह गई, क्योंकि उस कमरे से बाहर निकलने का और कोई तरीका नहीं था। सिक्योरिटी ऑफिसर्स एक सेकंड के लिए भी दरवाजे से नहीं हटे थे और उस कमरे में ना तो कोई खिड़की थी ना बाहर निकलने के लिए कोई और दरवाजा। और सबसे ज्यादा हैरानकुन बात ये कि जब टीम इंक्वायरी रूम से बाहर आई तो क्या देखती है, कॉन्फिस्केट किए हुए तमाम डॉक्यूमेंट्स और जॉन का ब्रीफकेस, सब चीजें गायब हैं। पूरी सिक्योरिटी टीम ने मिलकर एयरपोर्ट का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर उन्हें जॉन का कोई नामो निशान नहीं मिला। मानो जैसे वो एयरपोर्ट पे कभी आया ही नहीं था। कुछ लोगों का ये मानना है कि जॉन ज़िग्रिस वाज अ कॉन मैन, यानी वो फेस बदलकर एक मुल्क से दूसरे मुल्क फ्रॉड करने की और चोरी करने की नीयत से जाया करता था, बस आज तक उसका लक इतना अच्छा था कि वो कभी पकड़ा नहीं गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जॉन वाज एक्चुअली अ टाइम ट्रैवलर एंड बिलोंग टू द मल्टीवर्स, और शायद वो गलती से टाइम ट्रैवल करके हमारे टाइम जोन में ट्रैप हो गया था। लेकिन इस स्टोरी की सबसे इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन ये दी जाती है कि दिस वाज एक्चुअली अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ द मंडेला इफेक्ट, यानी उस एयरपोर्ट पर उस दिन जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ नजर का एक धोखा था।
यानी जॉन नाम का कोई भी शख्स उस एयरपोर्ट पे कभी आया ही नहीं था और जो भी वाकया बयान किया जाता है वो सिर्फ एयरपोर्ट स्टाफ का वहम था। जॉन को जासूस कहें या जादूगर, उसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया, वो कौन था, कहां से आया था, क्यों आया था और कहां चला गया, इन सवालों का जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। एंड दिस स्टोरी रिमेन्स वन ऑफ द बिगेस्ट अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर आर पीपल आउट देयर हु आर स्टिल लुकिंग फॉर दिस मैन फ्रॉम टॉरेंट। टाइमलेस टेल्स में अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी रोज एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अंटिल देन आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।